हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। होप करता हूँ आप सब अपने घर में बढ़िया होगे, मौज ले रहे होगे। तो आज का अपना कुछ ऐसा है, आज जा रहे हैं हम फिल्म देखने। कौन सी? एनिमल। भाई मैं तो नू लगा ले, रणबीर कपूर तो बढ़िया एक्टर ना लगा। अगर मान लो वैसे बात करें कि हाँ भी, जैसे रणवीर सिंह है, वरुण धवन है, इनमें तो मतलब जो ये इस एज के हैं, जो ये राजकुमार राव तो है ही एक्टर बढ़िया, चलो, पर रणबीर कपूर के बराबर का कोई एक्टर ही नहीं लगा। इसी स्कीम कल रात ने अपना बुक कर लिया शो, वो अब है हमारा 2:30 बजे का। आज जाऊँगा तुम्हारे तो ऑनेस्ट रिव्यू, 3.5 घंटा की फिल्म बता रहे हैं, 3 घंटा 20 मिनट की। इतनी लंबी तो बने ना करे आज के टाइम पे फिल्म, पहले भी ना बने करे थी, वैसे तो 3 घंटा की ज़्यादा ज़्यादा रह करे थी, पर आज 3 घंटा 20 मिनट। आज देखते हैं कि हाँ भी बैठन लायक 3 घंटा 20 मिनट वेस्ट करने लायक हैं, वेस्ट ना इन्वेस्ट करने लायक हैं कि हाँ भी या नहीं है। अंदर गहरा डिस्कशन चल रहा है, आँच होने लग रही है। हाँ, फिर एक हुक्का फिर के एक हुक्का पी के मस्त फिर चलते हैं फिल्म देखने के लिए। मेरा भाई भी आ रहा, उसी ने बुक करी है, वही दिखा के ला रहा मेरे। अच्छा रहा, आँच होने में टाइम लग रहा था, मतलब हुक्का पीते अगर तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि शो था हमारा तो थोड़ा सा जल्दी का, और आँच में अभी टाइम लगा 20-25 मिनट। तू के ले रहा भाई इसमें झोड़े में के है सिंधारा। अच्छा, रोटी लेकर आया गाय की। चलो तो गाई, जब चलते हैं। भैया कहाँ है? आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल? चलो तो एक बार चलते हैं और फिर बताता हूँ तुम्हारा कैसी है। ओए तन लंच ना करा भाई ना। हैं ना, तो फिर यही खा लेंगे कब। अरे चाल होगी, पी वी आर आई नो प्रमोशन कर दिया मैंने, इन्हों का फ्री में। तू तो भाई किसी पे भी बैठ सके, लक्की तेरा ब्याह होगा, तू तो अब सही जगह। तेरी माँ फोन घेर दिया मेरा। चल तो गाइस अभी फिल्म चालू होगी है, थोड़ी देर में देख के फिर बता दूंगा। वार्ता है इसको ना लिख रहा, क्या ना लिख रखा। शुक्र बाबा बाऊ ले डायन प्रिया। भाई साहब सर मैं बताता हूं, बहुत कैसे तो चार लोग थे लंच। तो इसकी तीसरी ट्रांजिशन है। Do you understand? दिखाऊं? कैरी कैरी कहेगा, मैं नहीं कहूं। ब्लैक एकदम सीन मेन इनका, और ट्रेलर में दिखाऊं ये गुत्ते और एक्शन एक्शन सीन सारे बढ़िया ले आते हैं। अरे चलो में 4 महीने में जाकर तैयार हो गया एक्चुअल बंद हो गए। बॉयज इमेजिन इन दिल्ली, मैन्युफैक्चर्ड इन बेंगलोर। भाई साहब ब्याह शादी के घाटे देख लो। कह रहा लग रहा संडे की दोबारा देखनी पड़ेगी तो यही फिल्म। कह रहा अपनी बहू तो क्या कहा कि मैं फिल्म देखकर जा रहा हूँ, संडू कह दी तो भाई संडे ही दोबारा देखनी पड़ेगी अब मेरे साथ। और पैसा कौन देगा? पैसे वो देगी, पैसा वो खुद देगी जो उसने नेक के पैसे इकट्ठा कर रखे ना अपने। पर भाई गजब बना रखी है मूवी, इंटरवल तक तो बहुत गजब बहुत गजब। मेरे में ऐसा आ रहा है कि फ्रंट कैमरे में कर रहा हूँ मैं। भाई साहब इंटरवल तक तो बढ़िया है, अब आएगी बॉबी देओल की एंट्री। कभी बॉबी देओल वो ना दे जाए स्पॉइलर। अरे कैसा मीम तो बन रहा है बढ़िया। अरे तेरा ब्याह होगा भाई, अब भी करीना कपूर तो प्यार करे हो। यहाँ भी बाबा जी बन रहा आ गए हो। हाँ सर मेरे नाम है इसका। खतरनाक लाजवाब मूवी, अब इसका पार्ट 2 भी आएगा। मैं तो नू लगाया आने वाले का सबने इन्हें पीछे छोड़ जाएगा, इन्हें पीछे छोड़ जाएगा रणबीर कपूर। बहुत तगड़ी चीज है यार भाई साहब, इतनी सेक्सी फिल्म है। मेरे रिव्यू तुम्हें बेस्ट मिलेंगे कहीं तो भी ले लेना, तेरी कसम। इसकी वजह से देखा कि आप इसका सेकंड सीजन भी आ सके। और अंधेरा होगा, ये तो रात होगी भैया, सही में अंधेरा होगा।
ब्रह्म मुहूर्त हो गया। मूवी कैसी थी? मूवी एक नंबर की थी, सेक्सी और ब्रह्म मुहूर्त हो गया। चलो जो अपना काम करते हैं। बॉबी देओल का थोड़ा सा छोटा सीन है पर बढ़िया सीन है। और कितना लड़ाई फाइट वाइट का ही है। और इसमें वो है कि क्लोन बन रहा है उसका, रणबीर कपूर का दूसरा, मतलब जो उसका चाचा ताऊ का जो भी था इनकी रिश्तेदारी थी, अब वो आगा वो बिल्कुल सेम टू सेम रणबीर कपूर है। चलो अब चलते हैं खेत पे, फिर पीते हैं एक हुक्का, फिर निकलेंगे उसके बाद घर। जल्दी जाना आज घर, देखते हैं ट्राई करेंगे घर जाने का। क्या हालत हो एक ऐसा तमीज ना बेस्ट। जब वो कह रही तू कुछ छोड़ रहा है तो कैसे, कितनी बदतमीजी से कही थी। नो ले, मैं पूछ रहा हूँ तेरे से, कोई ऑर्डर दोगे सर? नो है बस no. इतने इतने प्यार से बोल देता वो बेचारी, उसके बाद आई नहीं है पूछने के लिए कुछ भी। उसका ईमान जाग धन होगा, बताओ इनसे भी बेइज्जती करवानी पड़ रही है हमें। ऐसा ना बोले करे भाई किसी तरह, नो थैंक यू। हाँ पोलाइटली बोलो कि हाँ नो। सब मैं कह रहा फेंक के मारा नो। भैया फोन पे रिव्यू दे रहे हैं। अगर मान लो तुम जा रहे हो ना फैमिली के साथ जा रहे हो मूवी देखने के लिए, तो 18 साल से ऊपर के बालक जाना, क्योंकि थोड़ी सी अडल्ट कॉमेडी है इसके अंदर। हाँ थोड़ी सी अडल्ट कॉमेडी है, तो उस हिसाब से अपनी फैमिली लेके जाना। अगर मान लो तुम्हारा फ्रैंक नेचर है तो लेके जा सकते हो, नहीं अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। पर यार मेरे को एक चीज़ कहनी पड़ेगी, लाजवाब एक्टर है रणबीर कपूर, एक्टिंग के मामले में इसका हाथ ना पकड़ सके कोई भी। बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी इसके, तो बीच बीच में लकी वैसा भी लुक आ रहा था ना जैसे संजू वाला आ रहा था, जब तिलक लगा खड़ा था अंदर लास्ट। हाँ लास्ट में ऐसा लग रहा है जो संजू, मैं कहा यार अब तक इसका करेक्टर गया ना। बहुत ही बेहतरीन एक्शन थे भी, और जो म्यूजिक चल रहा था, म्यूजिक के ऊपर जो लड़ाई हो रही थी भाई साहब, क्या उसने कर रखा था, वो क्या नाम है उसका, विशाल ने कर रखा था म्यूजिक भाई साहब, बहुत गजब, क्या ही बता दें। पहले मुझे नू लगा कर रहा था कि वो बॉलीवुड वाले कुछ ना कर सके, मान ले जैसे ये एक्शन सीन वगैरह है भैया तो ना, उस टाइम पे सब चीज ना थी पहली बात तो, पर आज के टाइम पे जो एक्शन डायरेक्टर वगैरह है साउथ का है ना, हाँ तो डायरेक्टर के ऊपर सब चीज यार। पर भाई साहब अब जो इसने जो वो बंदूक चलाई मेड इन भारत है, आत्मनिर्भर भारत वाली, भाई साहब क्या ही गजब लग रही थी वो भी, उसने पूरा तहलका ठा दिया। नू लगा लो मैंने तुम्हारे तो पूरी मूवी बता दी है। एनिमल मूवी सॉन्ग्स ये देख लो, एडिक्टेड हो गए ना भाई। अब चलते हैं एक बार खेत पे, फिर मिलते हैं तुम्हारे। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर मान लो जो जो शौकीन है मूवी देखने जाने का, तो सही जगह पैसा इन्वेस्ट करोगे बिल्कुल, मतलब तुम बोर ना होगे बिल्कुल भी, क्योंकि इन्होंने इतना लंबा टाइम लिया ना। जैसे पहले जो मूवी बनी है जो ऐसी भी थी, अच्छी मूवी थी, जो उन्हें टाइम और चाहिए था, ठीक है, तो इन्होंने प्रॉपर टाइम लिया प्रॉपर ढंग से। इन्होंने ये ना करा कि खिचड़ी सी ना बनाई कि ये दिखा दें वो दिखा दें वो दिखा दें जल्दी जल्दी में ख़त्म कर देंगे। इन्होंने प्रॉपर टाइम लेकर सही ढंग से एग्जीक्यूट करके ना फिर दिखाई है। मैं तो यही कहूँगा भाई देख आनी चाहिए आपको भी, पर जाना 18 साल तो ऊपर वाले, अपने बालक ने लेके मत जाना, क्योंकि छोटे बालक हो उन्हें लेके मत जाना। तब तक के लिए अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए मैं ये एडिट करके डाल देता हूँ, अभी डाल दूंगा मैं, गलत टाइम पे डाल दूंगा, ट्राई करके देखता हूँ गलत टाइम पे डालने की, ठीक है। तब तक के लिए आराम करो, अपने घर में मौज लो और मूवी देख के आओ, फिर मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में। टाटा बाय बाय।